हेलो बच्चों, कैसे हालचाल हैं? सब पढ़ाई बढ़िया, लिखाई एकदम मस्त चल रही होगी बेटा? तो बच्चों, मस्त होके पढ़ते रहो, समझ के पढ़ते रहो। नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस दुनिया में, ध्यान रखना। नॉलेज अगर आपको है तो आपका मुकाबला कोई जल्दी नहीं कर सकता। मन से पढ़ते रहो, दिल से पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी में अगले वीडियो पर आ गए हैं। बट बेटा, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। अभी भी हम लोग आइसोमॉर्फिज्म के आज कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम लोगों ने आइसोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, आज हम लोग बेटा आइसोमॉर्फिज्म के अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो बच्चों देखिए, आइसोमॉर्फिज्म का हम लोग कुछ अच्छे एग्जाम्पल आज करते हैं। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग करना है। तो क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, मान लो इंटीजर्स और प्लस ऑपरेशन के साथ में एक ग्रुप है। आई मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और प्लस मतलब प्लस ऑपरेशन, ठीक है? आई मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और प्लस मतलब प्लस ऑपरेशन। तो इंटीजर्स का प्लस के साथ में मान लीजिए ग्रुप है, और दूसरा है मान लीजिए इवन इंटीजर्स का प्लस के ऑपरेशन के साथ में एक और ग्रुप है ना। ये है ऑल इंटीजर्स और ये क्या है इवन इंटीजर्स का प्लस के साथ में एक और ग्रुप। और मान लीजिए एक फंक्शन एफ है आई से लेकर के ई तक, और ये फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x। तो हमको प्रूव करना है ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। मान लीजिए ये हमको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। आपको याद है आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया। स्टार्टिंग से पढ़िए, है ना? कोई बात अगर कई बार नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा पढ़िए, और अगर मैं कोई रेफरेंस देता हूँ तो उस रेफरेंस को जा करके पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आइसोमॉर्फिज्म में समझाया था बेटा कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको वन वन ऑन टू फंक्शन नहीं मालूम है तो मैंने रेफरेंस दिया था कि मेरे 12th क्लास के वीडियो पर जाइए, वहाँ पर वन वन ऑन टू फंक्शन मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ। थोड़ा प्लेलिस्ट सर्च करिए और वन वन ऑन टू फंक्शन पे जा करके उसको और डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वन वन ऑन टू फंक्शन का यहाँ पर यूज़ होता है। हालांकि मैंने शॉर्ट में हर चीज़ समझाता हूँ बेटा, लेकिन फिर अगर बहुत डिटेल से समझना है तो वो सारे वीडियो मेरे अपलोडेड हैं। बस थोड़ा आपको कोशिश करके वहाँ पर जा करके प्लेलिस्ट पे जा करके आपको वो वीडियोस पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपको चाहिए कि सर उनका लिंक दे दीजिए तो मैं लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो कोई नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए सर इस वीडियो का मुझे लिंक दे दीजिए, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, उसको भी खोल कर आप पढ़ सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि इसमें वन वन ऑन टू का यूज़ होता है आइसोमॉर्फिज्म में। अब वन वन ऑन टू मैंने शॉर्ट में समझाया तो था कि आखिर वन वन फंक्शन क्या होता, ऑन टू फंक्शन क्या होता। फिर भी अगर आप उसके और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो बताया मैंने, क्लास 12th के वीडियो पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। वैसे सब कुछ है, थोड़ा प्लेलिस्ट सर्च करिए आपको सब कुछ मिलेगा। और बेटा लाइफ में अब ढूंढना भी नहीं सीखोगे तो फिर क्या है, मतलब आप इतना भी नहीं करना चाह रहे हो कि यार हम ढूंढे भी ना, मतलब अरे भाई तो मतलब ये तो हद हो गई ना। फिर ऐसा नहीं करो, थोड़ा सर्च करो, ढूंढो, मन लगाओ, तभी चीजें आएंगी, ठीक है बच्चों? तो देखो मैंने क्या बताया था आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो जी से लेकर के जी डैश में होता है। जी भी एक ग्रुप होता है, जी डैश भी एक ग्रुप होता है। यहाँ पर देखो ये जी है, ये क्या है इंटीजर्स का प्लस ऑपरेशन के साथ में ग्रुप। मैंने बताया था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लें और अगर हम प्लस का ऑपरेशन लें तो वह एक ग्रुप बनाता है। और ये क्या है सारे इवन इंटीजर्स, यहाँ पर हमने सारे इंटीजर्स लिए हैं। इंटीजर्स का मतलब आप उसमें जीरो भी लेंगे, वन भी लेंगे, टू भी लेंगे, थ्री भी लेंगे, माइनस वन भी लेंगे, माइनस टू भी लेंगे, आप सब कुछ लेंगे। और ई क्या है बोलो, ई में आप इवन इंटीजर्स लेंगे। इवन में क्या आएगा, जीरो टू फोर सिक्स सब आएगा, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स ये सब भी आएगा, तो इवन इंटीजर्स हो गए। यहाँ पर भी आपने प्लस ऑपरेशन लिया है, यहाँ पर भी आपने प्लस ऑपरेशन लिया है, ठीक है? तो देखो ये जी से जी डैश और ये फंक्शन है। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, पहला तो ये कि फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। दूसरा ये है कि फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करे एफ ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ बी, फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करे,
ठीक है। अच्छा तो देखो बेटा, जो फंक्शन हमारे पास है वो एफ एक्स बराबर टू एक्स है, तो ये जो एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स फंक्शन है, क्या ये फंक्शन वन वन है? हाँ ये वन वन है, क्योंकि वन वन कब होता है फंक्शन? जब एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे कि एक्स को वन रखेंगे तो एफ एक्स कुछ और आएगा, एक्स को टू रखेंगे तो एफ एक्स कुछ और आएगा, है ना। जैसे कि मान लो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं, ये वन वन नहीं है, ये नॉट वन वन है। क्यों? क्योंकि अगर हम x को 1 लेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, x को माइनस 1 लेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगी, तो दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू आ रही है। जब दो अलग अलग x के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू आए तो ऐसा फंक्शन 1 1 नहीं होता, ये फंक्शन क्या है? नॉट 1 1। ये क्या है बोलो? नॉट 1 1, या ये कह दो कि मैनी 1 है, मैनी 1 है ना। जबकि देखो ये वन वन है, एक्स को अलग अलग लोगे तो एफ एक्स के आंसर अलग अलग आएंगे, इसमें ऐसा नहीं। एक्स को, जैसे कि एक्स को टू लोगे तब भी एफ एक्स की वैल्यू फोर आएगी, एक्स को माइनस टू लोगे तब भी एफ एक्स की वैल्यू फोर आएगी, तो टू और माइनस टू पर एफ एक्स की वैल्यू सेम है, इसलिए ये वन वन नहीं है, ये मैनी वन है। ठीक है, ठीक है, नॉट वन वन या मैनी वन एक ही चीज, लेकिन देखो ये वन वन है और इसमें अगर आप ध्यान दो तो x की अलग अलग वैल्यू के लिए fx अलग अलग आएगा। और 1-1 को प्रूव करने का एक तरीका ये भी होता है, क्या? कि अगर हम fx1 equal to fx2 को लेकर चलें, तो एक तरीका तो 1-1 को देखने का ये हो गया कि आप डायरेक्ट देख लीजिए कि भाई x की अलग अलग वैल्यूज के लिए fx की वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, ठीक है। और एक तरीका ये हो गया कि आप fx1 equal to fx2 लेके चले, तो fx1 क्या हो गया 2x1 और fx2 क्या हो गया 2x2, तो यहां से x1 equal to x2 आ गया। तो ये भी 1-1 को चेक करने का एक मेथड होता है कि अगर आप fx1 equal to fx2 को लें और उससे हमको x1 equal to x2 मिल जाए, तो ऐसे भी फंक्शन हम 1-1 कहते हैं। और डिटेल से पढ़ना बेटा, बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इतना डिटेल से पढ़ाया है ना, आप तो खैर समझदार हैं भाई, जो बच्चा बीएससी एमएससी कर रहा है वो समझदार होता है, है ना। आपकी एज कम से कम 17-18 तो उसके आसपास तो होगी होगी कम से कम, तो आप पढ़ के दूसरों को पढ़ा देंगे, इतना डिटेल से बेटा मैंने समझाया है। आप समझिए, मेरे की खास बात पढ़ाने की यही है कि मैं समझाने में बेटा कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, है ना, जी जान लगा देता हूँ समझाने में, आप समझ सकते हैं। खैर चलो, तो ये फंक्शन वन वन हो गया। अच्छा ऑन टू में देखो क्या है, जैसे कि देखो ऑन टू में क्या है ना, आप एक्स की वैल्यू रखिए 1 2 3, तो आपको e की सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। आप x को 0 रखेंगे तो e 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 मिल जाएगी। x को 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगी, x को 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगी, x को माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 2 मिल जाएगी। मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज आएंगी वो पूरे e को कवर कर देंगी, कुछ भी e में से छूटेगा नहीं। तो इसको कहा जाता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब जो फंक्शन का रेंज आएगा वो इस पूरे e के बराबर हो जाएगा, मतलब कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। जब रेंज कोडोमेन से छोटा होता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, लेकिन जब रेंज कोडोमेन के बराबर होता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, ठीक है। तो देखो रेंज का मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज निकल के आती हैं, x को पुट करेंगे तो जो फंक्शन की वैल्यूज निकल के आएंगे, जैसे x को 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, माइनस 1 लेंगे, माइनस 2 लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू सब निकल के आएंगी, वो सब यही होंगी, सब रेंज हो गया। तो रेंज क्या हो गया? e के बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया बोलो? ऑन टू हो गया। तो पहला तो हमारा कंडीशन ये होता है कि भाई फंक्शन को 1-1 ऑन टू होना चाहिए, तो वो यहां से फंक्शन हमारा 1-1 ऑन टू है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़े, देखो दूसरी कंडीशन देखो, देखें, ठीक है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता। देखो ध्यान दो,
ए ओ बी ऑपरेशन ओ, ओ किसका है इसका, इसका मतलब देखो यहां पर ऑपरेशन किसका लिया प्लस का, तो ए प्लस बी है ना। ये ओ क्या है, जी का ऑपरेशन है, तो आपने आई का ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस लिया है, ठीक है। और इधर देखो क्या है, एफ ए और ओ डैश किसका ऑपरेशन है, जी डैश का है, और आपने ई का ऑपरेशन क्या लिया, उसको भी आपने प्लस लिया है, तो एफ ए और प्लस एफ बी, तो ये यहां पर कंडीशन आनी चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, ये कंडीशन बच्चों यहां पर आनी चाहिए। तो देखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी निकालिए, यहां से निकालिए, तो क्या होगा, टू ए प्लस बी, तो क्या हो गया, ये हो गया टू ए प्लस टू बी, और टू ए, टू ए का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, है ना, और टू बी, टू बी का मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, देखो ये आ गया एफ ए प्लस एफ बी, है ना। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे कि एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी, ठीक है, यही बात यहां पर हम लोग प्रूव करना चाहते थे। तो देखो ये इसका मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म हो गया, फंक्शन वन वन ऑन टू भी है और फंक्शन इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला एग्जांपल आइसोमॉर्फिज्म का है, अभी हम लोग और भी एग्जांपल देख रहे हैं, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको पहले। देखो अगला एग्जांपल देखिए बेटा हम लोग आइसोमॉर्फिज्म का, अगला एग्जांपल देखो बच्चों ये है, मान लिया मैंने जो जी लिया वो लिया रियल नंबर्स, ठीक है, और ऑपरेशन लिया मल्टीप्लाई का, भाई देखो एक सेट चाहिए होता है, एक ऑपरेशन चाहिए होता है, तभी तो ग्रुप बनता है, तो मतलब मैंने रियल नंबर्स पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लिया, है ना, रियल नंबर पे मैंने क्या किया बोलो, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्या लिया मैंने, पॉजिटिव रियल नंबर्स लिया, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब जो मैंने रियल नंबर्स लिए हैं वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स लिए हैं, और ऑपरेशन लिया है मैंने मल्टीप्लाई का, ये हमारा एक ग्रुप हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर्स विद ऑपरेशन मल्टीप्लाई, ये ग्रुप बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा और देखो मैंने जी डैश जो लिया बेटा, जी डैश ये मैंने ऑल रियल नंबर्स लिया, ऑल रियल नंबर्स, और इस पे ऑपरेशन लिया है प्लस का, है ना, जी क्या लिया है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ऑपरेशन किसका लिया हमने, मल्टीप्लाई का लिया, जी डैश क्या लिया है बोलो, सारे रियल नंबर्स, और ऑपरेशन किसका लिया, प्लस का लिया, और जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया है देखो जी से लेकर के जी डैश में, ये जो फंक्शन डिफाइन किया है मैंने, ये फंक्शन हो गया हमारा लॉग एक्स, तो हमको प्रूव करना है कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमने लिया है ये फंक्शन हमारा एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन जो है ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। देखो फिर वही है क्या कि सबसे पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन जो है ये वन वन एंड ऑन टू है, दूसरा ये फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करता है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म की बेटा दो कंडीशन होती हैं कि फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए और फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि 1 1 का मतलब x की अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो देखो चेक करो, जैसे कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स है, अब आप x को क्या रखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि देखो g में पॉजिटिव चाहिए है, g में कैसे नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और हमको मालूम है कि लॉग के आगे के नंबर पॉजिटिव ही होने चाहिए, लॉग के आगे के नंबर निगेटिव नहीं होने चाहिए, ये हम जानते हैं, है ना। देखो मैं बार बार कहता हूँ कि लॉग फंक्शन, क्लास 12 के वीडियो पर जाइए और लॉग फंक्शन को पढ़ लीजिए, तो आप लॉग फंक्शन के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्लास 12 का फंक्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको अच्छा होगा आप डिटेल से एक बार पढ़ लीजिए। बार बार मैं कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो उसमें इन इक्वेशन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन सब के बारे में आप डिटेल से सीख जाएंगे, जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है। सब मैथ्स का बेसिक है, फिर भी शॉर्ट में मैं देखो यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो मतलब देखो, ये एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो जी में आपने पॉजिटिव नंबर ही लिए, नेगेटिव आपने लिए नहीं। अब ये 1 1 क्यों है? x को अलग अलग रखोगे, इसकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी, हमेशा ऐसा होता है। लॉग फंक्शन 1 1 होता है ना, x को अलग अलग रखने पर फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग आती हैं। कभी भी 2x के लिए एफ एक्स सेम नहीं आता है ना। या देखो ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 लेकर चलो, ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक मेथड होता है। तो एफ एक्स 1 का मतलब क्या हो गया बोलो? लॉग एक्स 1। और एफ एक्स 2 का मतलब क्या हो गया? लॉग एक्स 2। तो यहाँ से क्या हो गया? एक्स 1 बराबर एक्स 2। तो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 लेके चले, और यहाँ से क्या प्रूव हो गया? एक्स 1 बराबर एक्स 2। तो फंक्शन कैसा हो गया बोलो? 1 1 हो गया। और देखो ऑन टू में क्या, इसका रेंज देखो। इस फंक्शन का जो रेंज होता है एक्चुअली क्या होता है बेटा, जो हमारा वाई बराबर लॉग एक्स बेस ई होता है ना, तो बेटा इस फंक्शन का देखो ये ग्राफ ऐसे बनता है। आप देखो x को आप आगे बढ़ाते जाओगे तो जो y की वैल्यूज हैं देखो वो सारी मिल रही हैं, है ना। y देखो नेगेटिव भी हो रहा है और y पॉजिटिव भी हो रहा है। तो y का मतलब ही रेंज होता है, y का मतलब ही fx होता है। y लिखो या fx लिखो बात बराबर है, फंक्शन में y लिखो या fx लिखो बात बराबर है। तो अगर आप y की जगह पर fx लेते हैं तो जो y की वैल्यू देखो मिल रही है, ये सारी मिल रही है। y की वैल्यू नेगेटिव भी मिल रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव भी मिल रही है, y की सारी वैल्यूज आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा हुआ कि जो हमारा y है वो सब कुछ है, y का मतलब ही रेंज, जो y की वैल्यूज होती हैं वही रेंज होती हैं, ध्यान दो। तो y की वैल्यू का मतलब रेंज, तो रेंज क्या हो गया? आर हो गया। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो गया वो आर हो गया। आर का मतलब ये देखो पूरा जी डैश, जी डैश में क्या है? सारे रियल नंबर्स हैं। तो रेंज क्या हो गया? मतलब कोडोमेन के बराबर हो गया, क्योंकि कोडोमेन इसका क्या है? जी डैश है। जी डैश का मतलब क्या हो गया? सारे रियल नंबर्स। तो इसका जो रेंज है वो सारे रियल नंबर्स आ गया, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया। यही हम चाहते थे कि फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो अलग अलग फंक्शन बेटा आएंगे और अलग अलग फंक्शन हमें जानना चाहिए, उसके बारे में हमें फंक्शन की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो प्योर मैथ्स को पढ़ने के लिए दो चीज़ें मैं बार बार कहता हूँ, प्योर मैथ्स मतलब वही मॉडर्न अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स चलो प्योर मानो या ना मानो, ठीक है, टॉपोलॉजी आगे चल के पढ़ेंगे, फंक्शनल पढ़ेंगे, ये सब प्योर मैथ्स का पार्ट होते हैं। अपना वेक्टर स्पेस है ना, लीनियर अलजेब्रा है। तो इसको पढ़ने के लिए दो चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, सेट्स और फंक्शंस। सेट्स अगर आपको नहीं आता है क्लास 11 पे जाइए, थोड़ा सेट्स सीख लीजिए। अब देखो फंक्शन के हो सकता है मैंने 35-40 वीडियो बनाए हों, तो अपने काम के पढ़ लो भाई, स्टार्टिंग के कुछ फंक्शन के पढ़ लो, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है उसको पढ़ लो, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ लो, फिर आप 1 1 ऑन 2 फंक्शन को पढ़ लो, इनवर्स फंक्शन को पढ़ लो, इन सबको अच्छे से पढ़ लो, तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्योंकि अगर वही सब मैं यहाँ पढ़ाने लग गया तो फिर बेटा मुझे 10-15-20 दिन लग जाएंगे पूरे, और फ़ायदा है नहीं, मैं पढ़ा चुका हूँ चूँकि वो सब कुछ। प्लेलिस्ट उसकी अलग है, पूरी फंक्शन क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे जाइए, ध्यान रखना फंक्शन फॉर क्लास 12 की प्लेलिस्ट पे जाइए, उस पर आपको फंक्शन के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। पढ़ना हो डिटेल्स तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज काम भर का मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरी कंडीशन क्या, ए ओ बी, ओ ओ का मतलब इसका ऑपरेशन जो प्लस है, एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? एफ ए। और ओ डैश, ओ डैश का मतलब इसका ऑपरेशन, सॉरी ये क्या है? मल्टीप्लाई है। जी का जो ऑपरेशन है ना, जी का जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है, और इसका ऑपरेशन प्लस है, एफ ए प्लस एफ बी, है ना। जी का जो ऑपरेशन है वो क्या है? मल्टीप्लाई। और जी डैश का ऑपरेशन क्या है बोलो? प्लस है। तो यहां पर मल्टीप्लाई आया, यहां पर प्लस आया, ये कंडीशन देखनी है। तो एफ ऑफ ए इंटू बी, एफ ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू देखो यहां से निकालो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए इंटू बी, और log of a into b को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log a plus log b, ये तो हम जानते हैं भाई log की प्रॉपर्टी होती है। और log a, log a का मतलब क्या हो गया? log a का मतलब कितना हो गया? f of a हो गया। और plus log b,
log b का मतलब कितना हो गया, f ऑफ b हो गया। तो देखो यहां से प्रूव हो गया कि f ऑफ a इंटू b आप लेकर चले तो क्या आ गया, f a प्लस f b आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन इस कंडीशन को देखो पूरा कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि ये 1-1 भी है, ये ऑन टू भी है, और ये इस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। तो बच्चों ये हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखो बेटा यहाँ पर देखे हैं, तो ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, आइसोमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं मिलकर के। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बेटा कोई अलग से पढ़ाई नहीं होती, जैसे बहुत से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, लेकिन वो अगर आप अलग से पढ़ाई करेंगे तो पहले बेसिक तो जानिए ना, तभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और बल्कि वो लोग भी जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो किसी किताब से ऑब्जेक्टिव नहीं लेते हैं, वो इसी थ्योरी पर जा करके क्वेश्चन बनाते हैं नए नए, है ना। वो ये मत समझना कि ऑब्जेक्टिव की कोई असाइनमेंट पड़ी होगी वहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, वो लोग भी जा करके इस बेसिक थ्योरी पर जा करके ऑब्जेक्टिव में नए क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों, है ना। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, ठीक है। इसका देखो एक और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं आइसोमॉर्फिज्म का, इसको लिखो बच्चों ध्यान से जरा पहले, इसका एक और एग्जाम्पल देखो हम लोग करते हैं। तुम तरम तरम दुनिया के हैं लाख करम, पर अपना एक करम चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदा। देखो बच्चों एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखो ये सवाल ऐसा है, जी जो है ना जी, ये है ऑल रियल नंबर, ठीक उसका उल्टा, और ऑपरेशन यहाँ पर लिया है प्लस का, मतलब जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था लॉग वाला उसका उल्टा है, जो वहां पर जी डैश था वो यहाँ पर जी है, और जो वहां पर जी था वो यहाँ पर जी डैश है, ठीक उसका उल्टा मैंने यहाँ पर कर दिया। और जी डैश देखो जो ले लिया बेटा मैंने, ये ले लिया पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लाई का, मतलब अभी जो लॉग वाले में जो जी था वो यहाँ जी डैश बन गया, और वहां पर जो जी डैश था वो यहाँ पर जी बन गया। और फंक्शन ले लिया मैंने बेटा e की पावर x, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये भी एक आइसोमॉर्फिज्म है। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए, तो ये भी मैंने क्लास 12th में पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल से, आप जाइए लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा। तो मेरा चैनल जो है बेटा वो नॉलेज की खान है, ठीक है, आप जितना चाहे वहां से निकाल करके पढ़ सकते हैं, जितना चाहे आप सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़िए मस्त होके पढ़िए, मैथमेटिशियन बनिए, बहुत बड़े मैथमेटिशियन बनिए, और हाँ मुझे मत भूल जाइए। अरे भूल भी जाओगे तो क्या हो जाएगा यार, बहुत लोग मुझे भूल गए पढ़ के, कोई बात नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही अंदाज में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं पालते कभी भी। चलो खैर, अब देखो पहले तो ये कि ये फंक्शन क्या 1-1 है, ऑन टू है, तो देखो e की पावर x जो बेटा होता है ना उसका ग्राफ देखो ऐसे करके होता है, ये ग्राफ होता है इसका, यहाँ पर ये होता है 0.1 पॉइंट, 0.1 का मतलब इसको हम अगर y लिख लें कि fx को y लिख सकते हैं, फंक्शन के केस में हम fx को y लिख सकते हैं, तो ऐसे x को 0 रखोगे तो e की पावर 0, y कितना होगा 1, तो x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1, देखो यही है, ये ग्राफ होता है इसका। इसका मतलब देखो क्या हुआ कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y अलग अलग होगा, x ये तो y ये, x ये तो y ये, x की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या हो रहा है देखो y अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 है, ठीक है। ये भी 1-1 को देखने का एक तरीका होता है, ग्राफ से भी आप 1-1 को देख सकते हैं कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y क्या है अलग अलग, नहीं तो फिर आप 1-1 को ऐसे भी देख सकते हैं, तरीका मैंने बताया कि fx1 इक्वल टू fx2 को लिखो, fx1 का मतलब ये e की पावर x1, fx2 का मतलब ये e की पावर x2, ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा x1 बराबर x2 मिल जाएगा, तो फंक्शन कैसा हो गया 1-1 हो गया। और देखो ऑन टू इस फंक्शन का देखो रेंज क्या है, इस फंक्शन का देखो रेंज क्या है, देखो y की वैल्यू देखो, तो y की जो वैल्यू है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना, y का अगर आप देखो
तो रेंज क्या हो गया वाई का, वाई का रेंज हो गया बेटा जीरो से इंफिनिटी, है ना। तो देखो ये जो वाई का रेंज है यही देखो जी डैश है। जी डैश में क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जो वाई की वैल्यू है ना बेटा वही हमारी कोडोमेन के बराबर है। कोडोमेन का मतलब क्या हो गया, ये जो जी डैश अपना सेट है, है ना। तो रेंज बेटा कोडोमेन के बराबर हो रही है इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू भी है। तो फंक्शन वन वन भी है और ये फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि देखो वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर ग्राफ देखो ऐसा जा रहा है ना जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, तो वाई कैसा हो रहा है पॉजिटिव। तो वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो से इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी का मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो यही हमारा जी डैश है ना। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये फंक्शन है जी से लेकर के जी डैश तक, बस समझे बच्चों। तो अब देखो हमें अगली कंडीशन जो देखनी है वो ये कि एफ ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ बी। ओ क्या है, ओ मतलब इसका इसका ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन दिया है प्लस, तो एफ ऑफ ए प्लस बी। और देखो ओ डैश, ओ डैश मतलब इसका ऑपरेशन वो क्या है, मल्टीप्लाई। तो ओ डैश की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि ये जी डैश का ऑपरेशन है, और ओ की जगह आ जाएगा प्लस क्योंकि ये जी का ऑपरेशन है। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस बी निकालो, एफ ऑफ ए प्लस बी तो ये एफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए प्लस बी हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस बी का मतलब एक्स की जगह रख दो तो क्या हो जाएगा ई की पावर ए प्लस बी। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ई की पावर ए इंटू ई की पावर बी, ऐसा लिख सकते हैं। और ई की पावर ए, ई की पावर ए क्या हो गया, ये हो गया एफ ए, और ये क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये क्या हो गया एफ बी, क्योंकि एफ ए निकालोगे तो ए की पावर ए होगा और एफ बी निकालोगे तो ए की पावर बी होगा। देखो यही बात प्रूव हो गई कि एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी, जो हम प्रूव करना चाहते थे। तो इसका मतलब ये फंक्शन आइसोमोर्फिज्म की कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन भी एक आइसोमोर्फिज्म है, समझे बच्चों। तो आइसोमोर्फिज्म के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने किए बेटा। हम देखो बेसिक में अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो मैं जो रेफरेंस देता हूँ उसको जाके जरूर पढ़िए, एक बार थोड़ा सा पढ़िए। आप जाएंगे साहब आपको वीडियो में लिखा हुआ अलग से मिलेगा, आप फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से केवल वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है, ये जरा एक दो घंटे इसमें लगेंगे, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जैसे लॉग फंक्शन वहाँ डिटेल से मैंने पढ़ाया है, आप जाइए सबको लिखा हुआ अलग से आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में घुसिए तो आप एक बार आपको सारे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिक थोड़ा पढ़ लीजिए कि फंक्शन की डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, इन इक्वेशन क्या होती है, ये सब वैसे ही बेटा हमको आना चाहिए। क्लास 12 तो वैसे ही बेटा हमको आना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीएससी एमएससी करने जा रहे हैं इसका मतलब निश्चित हम टीचिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या साइंटिस्ट बनेंगे। लेकिन हर एग्जाम में 12 का पोर्शन तो वैसे ही पूछा जाता है। जो बच्चे जैम की तैयारी करते हैं उनको भी 12 का पोर्शन तो आना ही चाहिए, है ना। अगर आप नेट की तैयारी करेंगे तब भी वहाँ 12th इंपॉर्टेंट है, गेट की तैयारी करेंगे वहाँ भी 12 का पोर्शन आता है बेटा। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्जाम एफ वाई जेड आप देंगे, आप साइंटिस्ट लेवल का कोई एग्जाम देंगे, वहाँ 11th 12th तो आता ही आता है। और जो बच्चे 11th 12th को नहीं पढ़ते वही फंसते हैं, फिर वो आपको इंटरव्यू में फंसा देगा, बेसिक में जाके फंसा देगा, है ना। तो इसलिए 11th 12th का आप कुछ नहीं सेट्स और फंक्शन तो अच्छे से पढ़ ही लीजिए, तो आप देखेंगे बहुत सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो खैर बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आइसोमॉर्फिज्म में कि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।